शहर में दिन दहाड़े बदमाशों ने मुथूट फिनकार्प गोल्ड लोन कंपनी के कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों को आतंकित करते हुए लूट का प्रयास किया था। सायरन बजने पर बदमाश फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। इस पर बीच सड़क पर पॉपकॉर्न बेचने वाले युवक ने बदमाश को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, महामंत्री हूँ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बिजनौर। कल जिस तरह से बदमाश ने लूटने की कोशिश बिजनौर सदर बाजार में की है फाइनेंस कंपनी को एक को, उस तरह से मैं बधाई देना चाहता हूँ पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर जी को। जिस तरह से इनकी पूरी टीम, चाहे उसमें इंस्पेक्टर बिजनौर हो चाहे एडिशनल SP हो, सारी टीम 5 मिनट के अंदर शक्ति टागी पे उस जगह खड़ी हुई थी और जांच करने पे लगी हुई थी। मैं बार बार बधाई देना चाहता हूँ और मैं मांग करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से इस तरह के अधिकारियों का प्रमोशन होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने काम करने की कोशिश की है। और मैं एक चीज और देख रहा हूँ, व्यापार मंडल की हैसियत से ये भी बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है, जो भी घटना होती है हमारे पुलिस कप्तान के सक्रिय होने की वजह से वो घटना चंद दिनों में खुल जाती है। बदमाश पूंछ दबा के भागने की कोशिश यहाँ से करते हैं। ये क्राइम कुछ हमारी भी लापरवाही कहीं ना कहीं है। हम वहाँ गार्ड नहीं रखते, हम वहाँ कैमरे नहीं लगवाते, इसलिए दोषी हम भी कहीं ना कहीं है। अगर ये सब कुछ हो तो मैं समझ रहा हूँ क्राइम ही नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ बार बार। व्यापारियों का कहना है कि SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह और SP सिटी डॉक्टर प्रवीर रंजन ऐसे पहले अधिकारी देखने को मिले जो जनपद में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वह सफल भी हुए हैं, इसलिए अपराध में गिरावट आई है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे ईमानदार और मेहनत के साथ सक्रिय काम करते हुए जनपद में कई अपराध घटनाओं के खुलासे चंद दिनों में हो जाते हैं और उन्होंने बदमाशों पर शिकंजा कसा और उन्हें जेल भेजने में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे अधिकारियों का प्रदेश सरकार प्रमोशन करे, इनकी मेहनत का इनाम इनको मिलना चाहिए। उनके रहते ही जनपद के लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात थाने में 14 जून को लूट की एक घटना हुई थी। इस घटना का सफल अनावरण हुआ था। इसमें 2,52,000 रुपए की रिकवरी, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, मोटरसाइकिल, तमंचा आदि मोबाइल फोन सब बरामद हुए थे। एक अभियुक्त जुल्फकार की गिरफ्तारी शेष थी, इस पर इनाम घोषित था। आज स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जुल्फकार को 17,000 रुपए लूट का बरामद करके जेल भेजा।